हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी कैफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आई रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो में हम आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, पोस्ट और सैलरी और कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस जॉब के डिस्क्रिप्शन के लिए आप studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके आप रिक्रूटमेंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। यहाँ पे द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है वो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे निकाला गया है और ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी 3 साल के लिए। और यहाँ पे जो कैंडिडेट की जो लोकेशन रहेगी जॉब करने की वो मुंबई है, मुंबई में जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे। एज लिमिट यहाँ पे 27 साल होनी चाहिए 1/5/2022 तक और लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त 2022 है। और यहाँ पे जो फीस रखी गई है एप्लीकेशन फी वो ₹100 रखी गई है जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी ₹100 रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर बात करें हम यहाँ पे पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे जो स्ट्रीम है मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे टोटल पोस्ट निकली है 17 और क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 साल का एमबीए या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स जो आपके होने चाहिए वो 60% आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगली स्ट्रीम की बात करें तो फाइनेंस है, यहाँ पे टोटल पोस्ट फाइनेंस के लिए 10 निकाली गई है और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एचआर स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, 2 साल का फुल टाइम एमबीए या फिर एमएमएस यहाँ पे मांगा गया है और ये 60% मार्क्स के साथ आपकी क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। और लॉ की बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट निकाली गई हैं और फुल टाइम डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपके पास 3 साल की या फिर 5 साल की और यहाँ पे 60% मार्क्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। फायर एंड सिक्योरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फुल टाइम बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पे 1 पोस्ट निकाली गई है, 4 इयर्स का यहाँ पे फुल टाइम बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है यहाँ पे और 60% मार्क्स से यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग क्लियर होनी चाहिए। सीएस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे ICSIE का मेंबरशिप आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट की हम लोग अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी 1/5/2022 तक 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन गिवन है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन गिवन है और यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे गिवन है। अवॉलमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे A2 पे स्केल यहाँ पे रहेगा, ₹50,000 से लेके 1,60,000 तक यहाँ पे आपका मिनिमम स्केल रहेगा विद एंटाइटल्ड टू बेसिक पे डीए एचआरए अलाउंस पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स के साथ में। यहाँ पे जो आपका टेन्योर रहने वाला है वो 3 साल का रहेगा और ये प्रोविडरी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का यहाँ पे रहेगा। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे www.shipindia.com पे विजिट कर सकते हैं। करियर वाले पेज पे जाके आप रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2022 पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे स्कैन कॉपी अंडर 300 KB ऑफ साइज में आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। और यहाँ पे अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था 16 जुलाई 2022 को और लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त 2022 है।
एडमिट कार्ड की बात करें तो 26 अगस्त 2022 को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 11 सितंबर 2022 तक रहेगा। और रिजल्ट की बात करें तो अभी डेट नहीं है, तो फोर्थ वीक हम लोग लगा के चलते हैं कि फोर्थ वीक में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और जो सेकंड स्टेज है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज की, वो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पे आपका किया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन अराउंड फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर 2022 में यहाँ पे आपका किया जाएगा। तो ये थी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। अगर आप इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसके नीचे यहाँ पे ये लिंक गिवन है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और ये थी हमारी आज की रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए आप studycafe.in को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें।